अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आज मैंने बनाया है चिकर छोले की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, जो कि बहुत ही इजी है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी। तो चले शुरू कर लेते हैं। दो घंटे हमने इस फैचनों को सोक कर लिया था। देन हमने इसके अंदर पानी में हमने एक चम्मच जो है वो नमक ऐड की है और दो आलू जो है उनको मैंने पील करके वो शामिल कर दिया है। तो इसको हम विसल को चलने का वेट करेंगे 20 मिनट का जो है। हम इसको जब विसल चलेगी तो हम नोट कर लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने जो है अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट जो है वो ग्राइंड करके उसका मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। तो यहाँ पर इसका पानी जो है वो उसका बहुत ही अच्छे से हमने ड्राई कर लेना है। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो देन हमने इसके अंदर ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसको बहुत ही अच्छे से भूनना है ताकि इसकी प्यारी सी स्मेल आना शुरू हो जाए। यहाँ पर हमने ऐड करना है गर्म मसाला। यहाँ ऐड कर देंगे ज़ीरा और दो है मेरे पास छोटी इलायची और साथ में सिनेमन स्टिक। स्पाइसेस जो हैं उनमें है नमक है एक चम्मच, एक चम्मच हमने पहले ऐड किया था, एक चम्मच ऐड करेंगे। और सुरख मिर्च है, चिली फ्लेक्स हैं, हल्दी है, चिकन पाउडर है एक चम्मच, और साथ में हमने ऐड किया है कनोर का जो चटपटा मसाले का जो है मैगी का वो हमने ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें कनोर चिकन जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक जो है टमाटर का पेस्ट ऐड किया है। और यहाँ पर जाएंगे ग्रीन चिलीज़ और तकरीबन 5 से 4 चम्मच जो हैं वो दही के हैं वो ऐड कर दिए हैं। और मसाले को बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पर जो हैं चने वो बहुत परफेक्ट किस्म के जो हैं वो गल चुके हैं और आलू भी गल चुके हैं। आलू और थोड़े से चने जो हैं 6 से 7 चम्मच वो हमने निकाल लिए थे और इनको हमने ग्राइंड कर लेना है। इनका बिल्कुल हमने स्मूथ सा एक पेस्ट रेडी कर लेना है। पेस्ट जब रेडी हो जाएगा तो इसको हमने जो मसाला भुना था उसके अंदर शामिल करके बहुत ही अच्छे से तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको हमने भून लेना है। और इसको जितना अच्छा सा भूनेंगे उतना ही अच्छा जो है हमारी वो ग्रेवी जो है वो रेडी होगी। और इसको हमने जो मसाला है वो बहुत ही अच्छे सा भुन गया है, तो इसके अंदर जो हमने जो चने बॉईल करके रखे हुए थे वो हमने ऐड कर देने हैं। चनों को आप 20 से 25 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। और इनमें एक चम्मच हमने नमक ऐड किया था, इसलिए जब मैंने मसाला भुना है तो मैंने एक चम्मच ऐड किया है। आप अपने जितना आपको रिक्वायर है उतना ऐड करें। तो यहाँ पर जो है चनों का जो पानी है जिसमें हमने चनों को बॉईल किया था वही हम ऐड करेंगे, उसके अलावा हम जो पानी है वो ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो मज़ेदार किस्म का जो सालन है वो रेडी हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें जो ज़रदा कलर होता है, फूड कलर होता है, वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया। और इसके अलावा यहाँ पर आप जो चने हैं उनको हल्का सा घोट लेंगे, तकरीबन हल्के हाथों से हल्का सा इसको घोट लेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। और यहाँ पर जो है वो बघार लगा लेंगे, तड़का लगा लेंगे। तड़का के लिए हमें सिर्फ चाहिए ज़ीरा और सब्ज़ मिर्च और हल्का थोड़ा सा हमने ऑयल लिया है, उसके अंदर ज़ीरा और सब्ज़ मिर्च इनका हमने तड़का लगा देना है, ऊपर शामिल कर देना है इसको। और मज़ेदार किस्म के जो चने हैं लाहौरी चने या फिर जो चिकर छोले हैं वो रेडी हो चुके हैं। इनको हम सर्व करेंगे बॉयल एग के साथ। और इसको आप रोटी, नान या बॉयल राइस या फिर पूरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं। और इसमें जो है मैगी का जो हमने मसाला डाला है वो आप ज़रूर ऐड करें, तो आपके बिल्कुल वैसे ही परफेक्ट बनेंगे जैसे कि बाज़ार के हों। तो इसके साथ जो है गर्मियां हैं, गर्मियों में आप जो सैलड का है वो इस्तेमाल लाजमी करें और पानी का इनटेक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखें। और उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे नहीं इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।